दोस्तों शहद एक ऐसा इंग्रेडिएंट है या एक ऐसा पदार्थ है जो कि गोल्डन एंड क्रिस्टलाइज होता है, यानी पारदर्शी। शहद का आयुर्वेदिक नाम मधु है। इसका वर्णन आयुर्वेद में आपको मिल जाएगा। इसको एक औषधि के रूप में इसका माना यूज़ गया अपनी है। स्किन के लिए या अपनी इंटायर बॉडी के लिए प्राचीन काल से लोग करते आ रहे हैं, अपनी स्किन की तमाम समस्याओं को खत्म करने के लिए, अपने इंटायर बॉडी के कई सारे रोगों को खत्म करने के लिए, क्योंकि इसका यूज़ कोई नया नहीं, इसको एक आप औषधि कह सकते हो। क्योंकि वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि आप अपनी स्किन को यानी त्वचा को निखारने के लिए, त्वचा की कई सारी प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए शहद का लेप या शहद का फेस पैक किस प्रकार बना के अपनी स्किन की तमाम समस्याओं को खत्म कर सकते हो। ऐसी स्किन से रिलेटेड कोई समस्या नहीं है, चाहे आपकी स्किन में रिंकल्स हो, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो, पैची हो, स्किन में ब्रेकआउट हो गए हो यानी पिंपल्स भी हों, इस टाइप की तमाम समस्याओं को ये खत्म करने की या फिक्स करने की क्षमता रखता है, जिसमें होता है पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हो पावर हाउस है ये एंटीऑक्सीडेंट का। इसके अलावा इसमें होते हैं विटामिन सी, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स। इसके अलावा इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज होती है, आपकी स्किन को डीपली मॉइस्चराइज करता है। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं, एंड ऑयली स्किन वालों के लिए भी काफ़ी अच्छा है, क्योंकि स्किन में एक्स्ट्रा ऑयल के प्रोडक्शन को भी कंट्रोल करता है। इसके साथ ही साथ स्किन में पिंपल, एक्ने वगैरह हैं तो उसको भी ट्रीट करता है। इसमें होती है एंटी बैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़, स्किन में किसी भी प्रकार के ब्रेकआउट, खुजली वगैरह को भी ट्रीट करता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि आप इसका लेप बना के, अपनी फेस पैक बना के, अपनी स्किन के अनुसार किस प्रकार अपनी स्किन को निखार सकते हो। तो दोस्तों चलिए हम देख लेते हैं हमको किस प्रकार फॉलो करना है। वैसे तो कुछ लोग इसको डायरेक्ट ही फॉलो कर लेते हैं, यानी जस्ट इसका फेस पैक बनाया एंड अप्लाई कर लिया। आपकी स्किन में किसी भी प्रकार की डेड सेल वगैरह डिपॉजिट नहीं है। आप वीकली स्किन को एक्सफोलिएट करते हो यानी डेड सेल स्क्रब करते हो, तो आप इसको डायरेक्ट इसका फेस पैक बना के अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर आप अपनी स्किन को देखें, अगर आपकी स्किन में डेड सेल जमा हैं, ब्लैक हेड, वाइट हेड हैं, आपके पोर्स क्लॉग हैं, इस टाइप के, या आप वीकली आप स्किन केयर यानी कि स्क्रब वगैरह नहीं करते हो, तो यहाँ पे आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देख के जितने स्टेप में मैं फॉलो कर रही हूँ वैसे ही आपको फॉलो कर। सबसे पहले हम इसको 3 स्टेप में फॉलो करने वाले हैं। मैंने यहाँ, मेरी स्किन ड्राई है तो उस हिसाब से बनाया। अगर आपकी स्किन ऑयली है या फिर स्किन में पिंपल्स हैं तो आप उस प्रकार से थोड़ा सा इसमें चेंजेस करके बना सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे लेना है ड्राई स्किन के अनुसार, यहाँ पे कच्चे दूध का मैंने इस्तेमाल किया है। 3 स्टेप में फॉलो करना है। क्लेंजर, दूसरा है एक्सफोलिएशन यानी स्किन को स्क्रब करना, थर्ड है शहद का फेस पैक या जिसको हिंदी में इसका लेप बनाना कहते हैं। तो क्लेंजर के लिए कच्चे दूध का लेना है, कच्चे दूध को लेना है क्योंकि मेरी स्किन ड्राई है। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आपको यहाँ पे रोज़ वाटर को लेना है क्लीन करने के लिए, दूध का इस्तेमाल नहीं करना। सेकेंड स्टेप, स्किन को एक्सफोलिएट यानी डेड सेल को रिमूव करना है, स्किन को स्क्रब करना है। तो इसके लिए आपको लेना है टमाटर का 1 चम्मच का जूस, उसमें एक मिक्स करें, यहाँ पे कच्चे दूध के 1 चम्मच का। मेरी स्किन यहाँ पे ड्राई है इस वजह से मैंने दूध का इस्तेमाल किया। अगर आपकी स्किन यहाँ पे ऑयली है तो यहाँ पे आप रोज़ वाटर का यूज़ करोगे। थर्ड स्टेप में आपको लेना है 1.5 चम्मच शहद का, एंड उसमें आपको 1.5 चम्मच शहद का, उसमें कच्चे दूध का मिक्स करना है। ये हमारे तीनों स्टेप प्रिपेयर हैं। अब आप इसको फॉलो करना है। किस प्रकार फॉलो करना है, सबसे पहले आपको अपनी स्किन को क्लीन करना है। क्लीन करने के लिए कच्चे दूध को ऑल ओवर फेस पे अप्लाई करना है। उसके बाद मसाज करना है, तकरीबन 30 से 40 सेकंड, सारी जितनी भी धूल मिट्टी गंदगी वगैरह निकल, इसको उसके बाद इसको वाइप आउट कर देना है कॉटन की सहायता से। अब आपका फेस बिल्कुल क्लीन है, क्योंकि कच्चे दूध में होता है लैक्टिक एसिड जो कि स्किन के डेड सेल को रिमूव करता है, स्किन को निखारता है, एंड स्किन के जो पोर्स हैं उनको मिनिमाइज करता है। सेकंड आपको क्या करना है, स्किन में जो भी डेड सेल वगैरह हैं उनको रिमूव करने के लिए हमें यहाँ पे एक्सफोलिएशन करना है। अगर यहाँ पे वीकली स्किन केयर आप स्क्रब वगैरह करते हो तो इस स्टेप को आप स्किप कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको टमाटर के जूस का लेना है 1 चम्मच। टमाटर एक नेचुरल ब्लीचिंग एजेंट, इसके अलावा बहुत अच्छा एक्सफोलिएटर है, स्किन को एक्सफोलिएट करता है यानी स्किन के जितने भी डेड सेल हैं उनको रिमूव कर देता है, एंड आपकी स्किन में कोलाजन को भी बूस्ट करता है। इसे ऑल ओवर फेस पे अप्लाई करें, मसाज करें तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए, फिर से इसको वाइप आउट कर दें या फेस वॉश भी कर सकते हैं।
उसके बाद थर्ड स्टेप क्या है, जो मेन है हमारा शहद या हनी फेस पैक या फिर शहद का लेप, उसके लिए आपको क्या करना है, ड्राई स्किन के अनुसार मैं यहाँ पे बता रही हूँ, आपको 2 चम्मच शहद का लेना है, चम्मच दूध को मिक्स करना है, ऑल ओवर फेस पे इस लेप को अच्छे से अप्लाई करें, पहले हल्की लेयर, उसके बाद मसाज करें तकरीबन 5 मिनट के लिए यहाँ पे, उसके बाद आपको सेकेंड लेयर इसके अप्लाई करनी है, छोड़ देना है 20 से 25 मिनट के लिए, एंड इसके बाद इसको ठंडे पानी से वॉश करें, चेहरे को मॉइस्चराइज करें, आपको वीकली इसको एक बार ज़रूर करना है। अगर आपके चेहरे में पिंपल्स वगैरह हैं तो यहाँ पे मसाज वगैरह ना करें, मेल एंड फीमेल दोनों लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, 12 साल से कम एज वाले बच्चे इसको फॉलो ना करें। तो जो ये जिस प्रकार मैंने ये बताया है कि आपको इसको अप्लीकेशन करना है, उसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा है आपकी ड्राई स्किन वालों के लिए, खास करके जितनी भी स्किन की ड्राइनेस है उसको ख़त्म करेगा, स्किन को मॉइस्चराइज करेगा, स्किन को डीपली मॉइस्चराइज करेगा, हाइड्रेट करेगा। इसके अलावा अगर स्किन में रिंकल्स फाइन लाइंस आ रही हैं तो उसके लिए भी काफ़ी अच्छा है, क्योंकि शहद में एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, स्किन में रिंकल फाइन लाइंस आने से रोकती हैं। तो दोस्तों, आई होप आपको मेरा ये वीडियो या मेरी जानकारी पसंद आई हो, अगर पसंद आई तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, तब तक के लिए नमस्कार।